देश भर में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई कार्यालयों पर छापेमारी के बाद इस संगठन के समर्थक जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के पुणे में शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का मामला सामने आया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग अल्लाह हू अकबर के साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपना रुख साफ करते हुए कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर राष्ट्रीय विरोधी नारे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस देश में और इस राज्य में ये छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन भूमि है, इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे देने का कोई अधिकार किसी को नहीं है। ये देशभक्त राष्ट्रभक्तों का राज्य है, इसलिए उनका पूरा बंदोबस्त जो हमारा गृह विभाग करेगा, ये किसी को ऐसे नारे देने का अधिकार नहीं है। सरकार पूरी तरह इस बात को गंभीरता से लिया हुआ है। साथ ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने घटना की निंदा करते हुए कहा, महाराष्ट्र और भारत में अगर कोई नापाक इरादों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, महाराष्ट्र में और भारत में अगर कोई नापाक इरादों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दे रहा होगा, तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को हम छोड़ेंगे नहीं, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, मामले पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने ट्वीट पर नाराजगी जताते हुए सभी आरोपियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अपना धर्म उठाओ और पाकिस्तान चले जाओ। मनसे प्रमुख ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को टैग करते हुए लिखा कि अगर हमारे पुणे शहर में पाकिस्तान जिंदाबाद अल्लाह हू अकबर जैसे नारे लगाने वाले हैं, तो हमारे देश के हिंदू चुप नहीं रहने वाले हैं, बल्कि बेहतर है कि देश विरोधी तत्व की इस बीमारी को तत्काल खत्म कर दिया जाए। बहरहाल मामले में पुलिस ने पहले ही पीएफआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ गैर कानूनी जमावड़े को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने करीब 60 लोगों के खिलाफ बिना अनुमति प्रदर्शन का मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। न्यूज डेस्क, न्यूज वॉच इंडिया।